क्या आपको पता है दुनिया का सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूट कौन सा है? नहीं जानते? चलिए हम आपको बता देते हैं। पिछले 7 सालों से लगातार ग्लोबल QS रैंकिंग में नंबर 1 पर है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT। इसे दुनिया की बेस्ट इंस्टीट्यूट का खिताब मिला हुआ है। दुनिया भर में लाखों स्टूडेंट हैं जो यहाँ पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन एडमिशन मिलेगा कैसे? नमस्कार, मेरा नाम है फातिमा जहरा और आप देख रहे हैं रंगरूट। आज हम आपको बताएंगे कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैसे बनी दुनिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी, कैसे इसकी शुरुआत हुई, यहाँ किस तरह और कितने तरह की पढ़ाई होती है, कैसे एडमिशन मिलता है, क्या है खास। तो चलिए एक एक कर सब जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं। MIT का आइडिया सबसे पहले विलियम बार्टन रॉजर्स के दिमाग में आया। वे विलियम एंड मैरी कॉलेज में नेचुरल फिलॉसफी के प्रोफेसर थे। साल 1846 में उन्होंने अपने भाई हेनरी को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने एक नई पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट शुरू करने की बात कही। इसके बाद अगले 5 साल तक रॉजर पूरी तत्परता के साथ नया इंस्टीट्यूट शुरू करने के लिए लोगों का समर्थन और फंड इकट्ठा करने में लगे रहे। साल 1861 में रॉजर के विज्ञान को पहली सफलता मिली। 10 अप्रैल 1861 यानी अमेरिका में सिविल वॉर शुरू होने से ठीक 2 दिन पहले आधिकारिक तौर पर MIT की स्थापना का चार्टर जारी किया गया, लेकिन क्लासेस शुरू हुई 4 साल बाद यानी 1865 में। इन 4 सालों में इंस्टीट्यूट के लिए रिसोर्स इकट्ठा करने पर काम होता रहा। विलियम रॉजर बार्टन MIT के पहले प्रेसिडेंट बने। MIT की शुरुआत बोस्टन शहर में एक किराए की बिल्डिंग में हुई। 1866 में बोस्टन के बैंक बे में MIT की पहली बिल्डिंग बनी। बाद में बैंक बे कैंपस का तेजी से विस्तार हुआ और सदी के आखिर तक इसकी बिल्डिंग्स में इतनी बिखर गईं कि सबको एक जगह इकट्ठा करने के लिए नए कैंपस की तलाश होने लगी, जिसके बाद 1916 में कैम्ब्रिज में नया कैंपस बना। MIT एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। MIT ने टीचिंग और रिसर्च को जोड़कर एक नई तरह की इंडिपेंडेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट की नींव रखी। MIT के 5 स्कूल में कुल 30 डिपार्टमेंट हैं। इंस्टीट्यूट में कुल 1607 टीचिंग स्टाफ हैं, जिसमें फैकल्टी मेंबर, एडवाइज़र, मेंटोर, कोच और कमेटी मेंबर भी शामिल हैं। तो ये तो हो गई इतिहास की बात। अब आते हैं आज के टाइम पर, बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में जिनके लिए MIT की थाक पूरी दुनिया में है। MIT अपने रिसर्च के लिए जाना जाता है। पिछले 150 सालों से MIT ने इंजीनियरिंग और साइंटिफिक स्टडीज़ में महारत हासिल की है और अपने रिसर्च के ज़रिए दुनिया बदलने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चाहे वो 1930 के दशक में हाई स्पीड फोटोग्राफी हो, 40 के दशक में इंजीनियरिंग प्रैक्टिकल माइक्रोवेव रडार हो, 50 के दशक में डिजिटल कंप्यूटर को संभव बनाने वाले मैग्नेटिक कोर मेमोरी को बनाना हो, या फिर 80 के दशक में समुद्र के सबसे छोटे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की खोज करना हो, फहरिस्त बहुत लंबी है। बात MIT से पढ़कर निकले लोगों की करें तो धरती से लेकर चांद तक यहाँ से पढ़े लोगों का जलवा रहा है। चांद पर कदम रखने वाले दूसरे एस्ट्रोनॉट बज एल्ड्रिन ने यहीं से पढ़ाई की है। यूनाइटेड नेशन के पूर्व जनरल सेक्रेटरी कोफी अन्नान, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन, इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी जैसे कुछ मशहूर नाम जो यहाँ से पढ़ाई कर निकले हैं। अब कैंपस के बारे में बात कर लेते हैं। MIT कैंपस चार्ल्स नदी के नॉर्थ में 167 एकड़ में फैला है। इस कैंपस में स्टूडेंट के लिए 60 रिसर्च सेंटर और लैब हैं। MIT की कैंपस लाइफ रॉक सॉलिड एकेडमिक्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का बेहतरीन मिश्रण है। MIT के कैंपस के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए हमने इंडियन स्टूडेंट दीक्षा सिन्हा से बात की, जो MIT से पिछले साल पास आउट हो चुकी हैं। सो एक्चुअली MIT बोस्टन में है और बोस्टन में बहुत सारे और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो इस कारण काफी मल्टी कल्चरल एटमोस्फियर है बोस्टन में। तो आई थिंक इसी वजह से यू नो दूसरे देशों के लोगों के लिए भी सेटल करना इजी होता है, और यू नो
मुझे लगता है कि लाइक एमआईटी में स्पेशली ये डॉक्टर सॉरी पीएचडी और मास्टर्स प्रोग्राम के लिए लाइक काफी सिग्निफिकेंट परसेंट ऑफ इंटरनेशनल पॉपुलेशन है, तो इसीलिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग नहीं होता है, लाइक इतना आउट ऑफ प्लेस फील नहीं होता है कि आप अकेले हो जो यहाँ के नहीं हो, क्योंकि और बहुत सारे लोग हैं आपके साथ. अब बात उन कोर्सेज की कर लेते हैं जो MIT को औरों से अलग बनाती हैं। पहला कोर्स है कंप्यूटर साइंस और IT, दूसरा कोर्स है अप्लाइड साइंस एंड प्रोफेशन, तीसरा कोर्स है नेचुरल साइंस और मैथ्स, चौथा कोर्स है बिजनेस एंड मैनेजमेंट, पांचवा कोर्स है एरोस्पेस एरोनॉटिकल एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग। इसके अलावा बायोमेडिकल इंजीनियरिंग बायो इंजीनियरिंग जैसे कोर्स शामिल हैं। कोर्सेज के बाद अगर बात फीस की करें तो MIT में पढ़ाई के दौरान स्टूडेंट के सालाना औसत खर्च की बात करें तो ये 52 लाख रुपए के आसपास पड़ सकता है। अब आपके मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि फीस इतनी ज़्यादा है तो हम कैसे MIT में पढ़ पाएंगे, तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। MIT में पढ़ाई करने का काफ़ी हिस्सा स्कॉलरशिप के जरिए कम हो सकता है। MIT करीब 34 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप देती है, और हाँ, ये स्कॉलरशिप मार्क्स के हिसाब से नहीं बल्कि आपकी ज़रूरतों के हिसाब से दी जाती है। इसके अलावा MIT की फ़ीस भरने के लिए आप लोन भी ले सकते हैं। MIT में एडमिशन कैसे होता है? भारत में इंजीनियरिंग के लिए स्टूडेंट की पहली चॉइस IIT होती है। JEE के ज़रिए इसमें एडमिशन मिलता है। अगर मार्क्स कम आए तो वहाँ एडमिशन लेना मुश्किल हो जाता है, जबकि MIT में एडमिशन लेने के लिए मार्क्स के साथ साथ आपका ओवरऑल प्रदर्शन देखा जाता है। हम लोग फोकस करते हैं मास्टर्स और पीएचडी बेसिकली जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए एडमिशन के लिए क्या करना होता है. उसके लिए मेन चीज होता है अपना रिसर्च स्टेटमेंट, कि आपको एक रिसर्च स्टेटमेंट में लिखना होता है कि आपने क्या रिसर्च किया है इन द पास्ट, और आप फ्यूचर में ये मास्टर्स या पीएचडी प्रोग्राम ज्वाइन करके उसमें क्या रिसर्च करना चाहते हैं, एंड ये शो करना है कि ये कैसे अलाइंड है जो यूनिवर्सिटी में और प्रोफेसर्स जिस चीज पे काम कर रहे हैं उससे कैसे रेलेवेंट है. तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट होता है, और इसके साथ साथ प्रोफेसर्स के रिकमेंडेशन लेटर्स लेने होते हैं. तो बेसिकली प्रोफेसर्स या इवन अदर सीनियर पीपल इन इंडस्ट्री जिनके साथ आपने काम किया हो वो रेकमेंड करे कि हाँ ये स्टूडेंट लाइक हार्ड वर्किंग है और इंटरेस्टेड है इस रिसर्च में. तो ये लेटर्स के साथ और अपने जो भी पुराने ट्रांसक्रिप्ट्स हैं कॉलेज के वो सब के साथ बेसिकली अप्लाई करना होता है एडमिशन के लिए. अब MIT में एडमिशन के लिए योग्यता भी जान लेते हैं। MIT में आप इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आपको कुछ एग्जाम पास करने होंगे। आपको 12वीं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायो के साथ पास करनी होगी। इसके बाद या तो आपको सेट एग्जाम या फिर टू फेल देनी होती है। सेट में आपके मैथ्स फिजिक्स बायो केमिस्ट्री के पेपर देने होते हैं। अगर आप टू फेल दे रहे हैं तो करीब 100 नंबर का पेपर होता है, इसमें आपको 90 मार्क्स चाहिए होते हैं। स्कूल के टाइम पर अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में एक्टिव रहे हैं तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट साबित हो सकता है। इसके अलावा MIT में एडमिशन लेने के लिए आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम देना होगा। आप उनमें से किसी भी एग्जाम को चुन सकते हैं। इसके अलावा MIT में एडमिशन लेने के लिए आपको GMAT, GRE, PTE, IELTS, ACT जैसे एग्जाम भी क्लियर करने होते हैं। अब बात आती है कि विश्व की नंबर वन यूनिवर्सिटी से कोर्स करने के बाद कितना पैकेज मिलता है, तो यहाँ हर साल सितंबर में करियर मेला लगता है जिसमें आमतौर पर छात्रों को 46,000 से 46,000 अमेरिकी डॉलर यानी करीब 45 लाख से 48 लाख रुपए तक औसत सालाना पैकेज मिलता रहा है। आज के लिए इस शो में सिर्फ इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें बताएं, और हाँ, आप अगले एपिसोड में क्या देखना चाहेंगे ये भी बताएं। सुझाव और सवाल दोनों हमें लिख भेजिए rangroot@lallantop.com पर। और हाँ, हम आपके लिए एक नया चैनल भी लेकर आए हैं रंगरूट नाम से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुक्रिया।